हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन। टुडे वी विल स्टार्ट एटॉमिक रेडियस इन पीरियडिक टेबल एंड देयर क्लासिफिकेशन। उसके अंदर हमारा आज का टॉपिक जो रहेगा वो एटॉमिक रेडियस के बारे में रहेगा। इससे पहले लास्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि एप्लीकेशन ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, और उससे लास्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर और भी कई सारी बातें हम लोग जो है कर चुके हैं, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की मैं बात करूँ। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एटॉमिक रेडियस। तो देखो, एटॉमिक रेडियस क्या होती है कि एटॉमिक रेडियस, स्टूडेंट देखो, अगर आप लोग किसी एटम को सफेयर मान के चल रहे हो, अगर हम एटम को क्या मान के चल रहे हैं, सफेयर मान के चल रहे हैं, तो उसके लिए एक डेफिनेशन बन जाती है एटॉमिक रेडियस के लिए कि इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। देखो, एटॉमिक रेडियस क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए जो अभी आपने देखी है ऊपर, कि इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब ये जो आइसोलेटेड वर्ड है, ये ही बहुत मुश्किल है, बस आइसोलेट करना ही बहुत मुश्किल है। मतलब मैं आपको अब क्या बताना चाह रहा हूं कि जब हम एटॉमिक रेडियस अभी हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन अभी स्टार्टिंग में इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस आ जाती है कि आप एटॉमिक रेडियस को इजीली से फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, तो हम यहां लिख देते हैं कि एटॉमिक रेडियस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इजिली। एटॉमिक रेडियस को हम लोग इजिली से कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब उसके पीछे रीजंस क्या है, देखो, फर्स्ट रीजन क्या होगा कि एन एटम डज नॉट हैव फिक्स्ड बाउंड्रीज। मतलब यहां ये क्या कह रहा है कि देखो, जो आपके पास एटम होगा ना, उसकी कोई फिक्स बाउंड्रीज नहीं है। मींस उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कोई फिक्स नहीं है कि इस जगह तक ही केवल इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, उससे आगे नहीं जाएगा। मतलब एटम की कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है, वो चेंज होती रहती है विद चेंज इन टेम्परेचर और अनदर टाइप ऑफ इफेक्ट्स, जिनकी वजह से जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होती है, अफेक्ट होती है। तो एन एटम डज नॉट हैव फिक्स्ड बाउंड्रीज, इवन एट लार्ज डिस्टेंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज नेवर जीरो। मतलब आप एटम के अंदर फार अपार्ट तक चले जाओ, काफी दूर तक चले जाओ, लार्ज डिस्टेंस तक चले जाओ, आपको तब भी जो इलेक्ट्रॉन है उसकी प्रोबेबिलिटी कभी भी जीरो नहीं मिलेगी। मींस लार्ज डिस्टेंसेस तक भी आपका इलेक्ट्रॉन आपको मिल सकता है एटॉमिक रेडियस में। अब अगर ऐसा होने लगा तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस यहां से यहां वेरी करेगी, तो ये डेफिनेशन लाई नहीं होगी। मींस जो आपका आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है उसका कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है, लार्ज डिस्टेंस पे भी वो आपका जो प्रोबेबिलिटी है उसका कभी भी जीरो नहीं हो रहा है। तो हाउ कैन वी से दैट कि भाई एटॉमिक रेडियस जो यहां से यहां तक हो जाएगी। तो ये फर्स्ट लिमिटेशन है जिसकी वजह से हम लोग जो है एटॉमिक रेडियस को इजिली से कैलकुलेट नहीं कर सकते। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज द एटम cannot be isolate। अब ये दूसरा पॉइंट आ गया कि हम एटम को आइसोलेट नहीं कर सकते। आइसोलेट का मतलब क्या है कि देखो बेटा, आप जब हाइड्रोजन की बात करते हो तो हाइड्रोजन आपको यूनिवर्स में कभी भी इस स्टेज के अंदर नहीं मिलेगा, इस स्टेट पे नहीं मिलेगा। हाइड्रोजन जो हमें मिलता है वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलता है, मतलब H2 की फॉर्म में। अब रेडियस तो हमें इसकी निकालनी है, लेकिन ये हमें मिल किसकी फॉर्म में रहा है, इसकी फॉर्म में, इस फॉर्म में मिल रहा है। इस फॉर्म को क्या कहता हूं मैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म।
इस फॉर्म को क्या कहूंगा मैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म कहूंगा। तो मुझे मॉलिक्यूल के अंदर थोड़ी ना रेडियस निकालनी है, मुझे तो एटम के अंदर रेडियस निकालनी है। अब ये हमें यूनिवर्स के अंदर फ्री स्टेट के अंदर मिल नहीं रहा, इसको हम लोग कह देते हैं फ्री स्टेट, फ्री स्टेट या फिर आइसोलेट स्टेट, इसको हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो H2 में से अगर मुझे रेडियस निकालनी है तो मुझे इसमें से दोनों हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, तब जाके मैं इसका रेडियस फाइंड आउट कर सकता हूं। फिर इस पे जब मैं रेडियस अप्लाई करूंगा तो ये पॉइंट आ जाएगा, मीन्स अब इलेक्ट्रॉन का जो प्रोबेबिलिटी है वो कहीं तक भी जीरो नहीं है। तो यहां ये कह रहा है कि द एटम कैन नॉट बी आइसोलेट, मतलब एटम को आप लोग आइसोलेट नहीं कर सकते। जो आपके एटम्स होते हैं वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में आपको मिलते हैं, ना कि आइसोलेट फॉर्म में आपको मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट होगा, थर्ड पॉइंट जो होगा वो होगा कि द एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज ऑल्सो डिस्टर्ब बाय द नेबरिंग एटम प्रेजेंट इन अनदर मॉलिक्यूल। अब यहां देखो ये क्या कह रहा है कि जब हम लोग हम खुद अपनी जो है सड़कों पे चलते हैं तो क्या होता है कि जब कोई सामने से आ रहा होता है तो हमें भी अपना पाथ जो हल्का सा क्या करना होता है, चेंज करना होता है, डेविएट होना होता है उस पाथ पे। सिमिलरली उसके इस सामने वाले इंसान के साथ भी यही हो रहा होता है, मीन्स हम लोग अपनी दुनिया के अंदर एक दूसरे से अफेक्ट हो रहे होते हैं, मीन्स हमारे अंदर एक दूसरे की वजह से डिस्टर्बेंस आ रही होती है। सिमिलरली अगर मैं एक चैम्बर ले लेता हूं, मैंने यहाँ H2 इस तरीके से H2 गैस ले ली, तो इस पॉइंट के कहने का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो एटम प्रेजेंट होंगे और उस एटम में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अफेक्ट किए जाएंगे इसके अंदर जो एटम होंगे और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, मींस ये एक दूसरे को डिस्टर्ब करते रहेंगे। और डिस्टर्ब करने की वजह से क्या होगा कि कोई फिक्स वैल्यू नहीं बन पाएगी, मतलब हमारे पास अगर किसी को हमें क्या नाम है स्टडी करना है, किसी चीज को भी हमें स्टडी करना है तो सबसे पहले उसका फिक्स होना जरूरी है। और यहां तीनों पॉइंट यही बता रहे हैं कि अभी तक हमने एटम को जो फिक्स नहीं किया है, मींस एटम को ना तो आप आइसोलेट कर सकते, वो आसपास के मॉलिक्यूल से भी क्या होता है डिस्टर्ब होता है, उसके बाद उसके जो इलेक्ट्रॉन है उसकी प्रोबेबिलिटी लास्ट डिस्टेंस पे भी जीरो नहीं हो सकती। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, एटॉमिक रेडियस ऑल्सो चेंज विद चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब कि आप कोई एटम अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ जोड़ रहे हो, मीन्स अलग अलग एलिमेंट के साथ अगर जोड़ रहे हो तो वहां भी उनकी जो एटॉमिक रेडियस होगी वो भी हमेशा क्या होगी, चेंज होगी। तो आप जैसे हाइड्रोजन को हमने Cl से जोड़ दिया या हाइड्रोजन को हमने ऑक्सीजन से जोड़ दिया तो देर विल बी डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से क्या होगा कि उनकी एटॉमिक रेडियस में भी क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। तो बेटा दीज आर द फोर पॉइंट जिनके अकॉर्डिंग हम लोग ये कह रहे हैं कि एटॉमिक रेडियस को आप लोग इजिली से कैलकुलेट नहीं कर सकते, मीन्स एटॉमिक रेडियस इजिली से कैलकुलेट नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि इसका कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है, एटम को आइसोलेट नहीं कर सकते, उसके बाद जो कई सारे एटम मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं एक ही अगर हम लोग एक चैंबर के अंदर, तो वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। और लास्ट पॉइंट है एटॉमिक रेडियस आल्सो चेंज विद चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये बड़ी बेकार सी बात हो गई है कि एटॉमिक रेडियस पढ़ने चले थे और स्टार्टिंग में हमें बोल दिया गया कि एटॉमिक रेडियस को आप लोग फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। अब एटम जिस स्टेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिस फॉर्म में वो प्रेजेंट होते हैं, हमें उसी में से कुछ निकाल के लाना पड़ेगा, हमें उसी के ऊपर बातें करनी पड़ेंगी। अब एटम किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, या तो उनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होगा या मेटेलिक बॉन्ड होंगे या उनके अंदर वेंडरवॉल रेडियस होंगी, तो हम इन तीन कॉन्सेप्ट की ही बात करेंगे। मतलब एटॉमिक रेडियस में हम लोग तीन कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट तो आपका क्या होगा जो है कोवलेंट रेडियस, उसके बाद मेटेलिक रेडियस एंड देन क्या वेंडरवॉल रेडियस। मतलब अब एटम जिस स्टेट के अंदर प्रेजेंट है हमें उसी में से कुछ निकालना पड़ेगा, उसी के अंदर स्टडी करनी पड़ेगी। तो अब यहां से आगे देखते हैं, अब हम लोग डिस्कस करेंगे तीन पॉइंट हमारे, कोवलेंट रेडियस, सेकंड रहेगा आपके सामने मेटेलिक रेडियस, और थर्ड रहेगा वेंडरवॉल रेडियस। वेंडरवॉल रेडियस
इन तीन रेडियस को हम लोग डिस्कस करेंगे। अब फर्स्ट पढ़ते हैं हम लोग कोवलेंट रेडियस के बारे में कि कोवलेंट रेडियस क्या कहती है। देखो इन्हें एक बार मिटा लेते हैं। कोवलेंट रेडियस, देखो कोवलेंट रेडियस को हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे, दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला जो पार्ट होगा उसमें मैं बात करूंगा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल की, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में एक बात करेंगे, एक बात करेंगे हम लोग हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल में, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। देखो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर कोवलेंट रेडियस कैसे फाइंड आउट की जाती है कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं H2। हमने क्या एग्जांपल लिया? H2। अब H2 होमो एटॉमिक है क्योंकि इसके अंदर H और H दोनों सेम टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट हैं, तो ये होमो एटॉमिक हुआ। अगर हम इनको स्फेरिकल कहते हैं तो ये इस तरीके से आपस में बॉन्डेड होंगे, ऐसे ही ओवरलैप कर रहे होंगे। यहां इनका सेंटर में क्या रहेगा? न्यूक्लियस। ये दोनों सेम साइज के हैं, मैं एक बार फिर से साइज बना देता हूं। ये दोनों ऑलमोस्ट जो है बिल्कुल सेम साइज के हैं, इस तरीके से यहां से लेके यहां तक इनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस हुआ, मतलब ये आपका एक डिस्टेंस हो गया यहां से यहां तक, ठीक है। इस डिस्टेंस को हम लोग कह देते हैं 74 पिकोमीटर, ये होता है। अब कोवलेंट रेडियस फॉर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या कहते हैं कि अगर हम इस डिस्टेंस का क्या कर दें, हाफ कर दें, इस डिस्टेंस का क्या कर दें हम लोग, हाफ कर दें, तो हमारे पास एक डेफिनेशन बन जाएगी कि द होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर कोवलेंट रेडियस क्या होगी, कि इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस व्हेन द सिमिलर एटम, व्हेन द टू सिमिलर एटम्स आर जॉइंड टू ईच अदर। बहुत सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि इट इज द हाफ, ये हाफ किया हमने, ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस, ये जो डिस्टेंस था, व्हेन द टू सिमिलर एटम्स आर जॉइंड टू ईच अदर, जब हमने दो सिमिलर एटम को आपस में क्या किया, ज्वाइन किया। अब क्या करेंगे, इसका हाफ करने के बाद क्या होगा कि मेरे पास जो ये पार्ट आएगा ये इस हाइड्रोजन की रेडियस हो जाएगी, तो मैं यहां लिख दूंगा RH, और जो मेरे पास ये पार्ट आएगा ये इस वाले हाइड्रोजन की रेडियस हो जाएगी, जो मैं लिख दूंगा क्या, RH। मतलब कि हमने इस डिस्टेंस का क्या कर दिया, हाफ कर दिया है, तो यहां से एक फॉर्मूला बन जाएगा कि रेडियस ऑफ एच बॉन्ड एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कि डी ए बॉन्ड ए। अब ए बॉन्ड ए के लिए है क्योंकि दोनों सेम टाइप ऑफ एटम है, ये दोनों क्या है, सेम टाइप ऑफ एटम है, तो मैं दोनों को ए ए मान के चलूंगा, डिवाइडेड बाय कितना किया हमने, 2, देन 74 इज डिवाइडेड बाय कितना हुआ, 2, और द आंसर विल बी 37 पिकोमीटर। तो आंसर कितना है, 37 पिकोमीटर। मतलब यहां हाइड्रोजन की जो रेडियस है वो कितनी है, 37 पिकोमीटर है। इस हाइड्रोजन की रेडियस भी कितनी होगी, 37 पिकोमीटर। मतलब दोनों हाइड्रोजन की रेडियस, कोवलेंट रेडियस इसको हम लोग कहेंगे, कोवलेंट रेडियस कितनी होगी, 37 पिकोमीटर। तो डेफिनेशन क्या हुई कि इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस व्हेन द टू सिमिलर एटम्स आर जॉइंड टू ईच अदर। सेम तरीके से आप लोग होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल की, अगर मैं और होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करूं, H2 के अलावा आप लोग Cl2 के ऊपर बात कर सकते हो, Br2 के ऊपर बात कर सकते हो, कार्बन कार्बन बॉन्ड के ऊपर बात कर सकते हो। जब आपके होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होंगे तो आपको क्या करना है कि जो टोटल लेंथ आ रही होगी बिटवीन टू न्यूक्लियस उसका क्या कर देना है, हाफ कर देना है, और हाफ करने के बाद आपके सामने क्या आ जाएगी, उनकी रेडियस आ जाएगी। इसके लिए एक और फॉर्मूला हम लोग बना लेते हैं कि आर बॉन्ड ए बॉन्ड ए या RC आर कोवलेंट रेडियस इज इक्वल टू DAA डिवाइडेड बाई कितना, 2। तो इस फॉर्मूले को लेके आप लोग चल सकते हो किसी भी एटम के अंदर। आप यहां AA की जगह HH लिख लो क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन हमने HH लिया है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ये है, तो इसको हम लोग H एंड H कह देंगे। लेकिन अगर आप यहां कोई और मॉलिक्यूल लेते हो, एज एन एग्जांपल मान लो मैं Cl2 ले लूं, Br2 ले लूं, तो उस केस में आप लोग यहां ClCl लिखोगे, BrBr लिखोगे, तब जाके आपका रेडियस जो है फाइंड आउट होगा। ये बहुत सिंपल सी बात थी कोवलेंट रेडियस जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए थी, इसके अंदर कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी। अब जो मेन कॉन्सेप्ट है वो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल का है। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ एटम होते हैं। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम होते हैं। मतलब कि यहां कहने का मतलब क्या है कि यहां आपके डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के एलिमेंट आपस में ज्वाइन होंगे, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के। तो देखो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कहती है, मान लो एक एटम मेरे पास इस तरीके से है और एक एटम मेरे पास इस तरीके से,
इसको कह दूं मैं ए और इसको कह दूं मैं क्या बी, यहां से लेके और यहां तक का एक डिस्टेंस हुआ न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस। अब अगर मैं इस रेडियस का या इस डिस्टेंस का हाफ करने लग जाऊं, ये जो एक डिस्टेंस बना है मेरे पास यहां से लेके यहां तक का एक डिस्टेंस बना है, अगर मैं इसका हाफ करने लग जाऊं तो देर विल बी नो रेडियस फॉर दीज टू एलिमेंट, यहां कोई रेडियस निकल के नहीं आएगी किसी भी एलिमेंट की। अब क्या होता है इस तरीके के जब डिफरेंट टाइप ऑफ हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर जब डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट आपस में जुड़े हों तो आप उनको कह सकते हो कि देर विल बी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एक्टिविटीज जॉइंट टू ईच अदर। ठीक है, इस केस में हम लोगों को कुछ केस फॉलो करने पड़ते हैं। वेन द इलेक्ट्रो नेगेटिविटी difference is very small, अगर इनके बीच में electronegativity difference बहुत ज्यादा small है तो आप लोग सीधा सा इसका एक फंडा निकालोगे कि DAB is equal to RA plus RB, आप इस formula के साथ चले जाओगे। ठीक है, ये DAB क्या हो गया आपका डिस्टेंस हो गया बिटवीन A एंड B, RA क्या हो गया रेडियस ऑफ A एंड RB क्या हो गया रेडियस ऑफ B। अब RA को फाइंड आउट करने के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा, RA के लिए हमें RA इज इक्वल टू अप्लाई करना पड़ेगा DAA डिवाइडेड बाय कितना 2, और RB के लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा DBB डिवाइडेड बाय 2। अब ये कहां से निकल के आएगा, इसके लिए हमें फिर से जाना पड़ेगा किस तरफ, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल की तरफ। मतलब कि अगर मैं इसको HCl कह देता, अगर मैं इनको HCl कह देता तो क्या होगा कि इस H के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, होमो एटॉमिक की तरफ जाना पड़ेगा, मतलब कि आपको R जो मतलब H2 के अंदर जाना पड़ेगा और H2 में से फिर H की रेडियस निकाल के लानी पड़ेगी। सिमिलरली Cl के लिए आपको Cl2 में जाना पड़ेगा और Cl2 में से किसकी रेडियस निकाल के लानी पड़ेगी, Cl की। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है इसके लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल की तरफ जाना पड़ेगा। अब जो ये दोनों के दोनों रेडियस आएंगी इनको आप लोग यहां पुट करके आपका क्या निकल के आ जाएगा, डिस्टेंस निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आएगा डिस्टेंस। ठीक है, इसके बाद अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लार्ज है मींस कंसीडरेबल है, अब मैं इधर लिख देता हूं, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लार्ज होता है, if the electronegativity difference is large, अगर electronegativity difference large है तो ध्यान से समझना बेटा, तब हम लोगों को एक equation दी किसने, Schoemaker and Stevenson ने, Schoemaker एंड Stevenson इक्वेशन हम इसको कह देते हैं फॉर रेडियस। वो इक्वेशन क्या थी कि DAB इज इक्वल टू RA प्लस RB माइनस 0.09 डेल X, ये इक्वेशन उन्होंने दी। अब यहां जो DAB है, जो DAB है वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एटम्स ए एंड बी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आप समझ सकते हो ऐसे ही। आर ए क्या है आपका रेडियस, कोवलेंट रेडियस फॉर एटम ए, जो कैसे फाइंड आउट की जा सकती है, डी ए ए डिवाइडेड बाय कितना 2, इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। आर बी क्या होगा, रेडियस फॉर एटम B, इसको आप लोग DBB डिवाइडेड बाय कितना 2 कर सकते हो। उसके बाद जो 0.09 है ये आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये क्या वैल्यू है आपकी, एक कांस्टेंट वैल्यू है। एंड जो डेल एक्स है डेल एक्स आपका क्या होगा, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दिस इज ऑल अबाउट द इक्वेशन, जो इक्वेशन किसने दी थी, Schoemaker ने और किसने, Stevenson ने, कि DAB इज इक्वल टू RA प्लस RB माइनस 0.09 डेल एक्स। जब आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है, लार्ज होता है, कंसिडरेबल होता है, मतलब हम उसको कंसिडर कर सकते हैं।
अब यहाँ के बाद क्या हुआ कि इस इक्वेशन को, अच्छा ये जो पूरी की पूरी इक्वेशन है ये इन एंगस्ट्रॉम में हम लोग रेडियस निकाल रहे हैं, एंगस्ट्रॉम में यूनिट होती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने जब होमो एटॉमिक के लिए काम किया था तब हमने पिकोमीटर पे काम किया था, लेकिन यहां जो हम लोग काम करेंगे अभी जो हम रेडियस का काम कर रहे हैं वो हेट्रो एटॉमिक के अंदर वो एंगस्ट्रॉम में कर रहे हैं। अब इस इक्वेशन को अगर हमें किसमें करना है, पिकोमीटर में लाना है, इस इक्वेशन को किसमें लाना है, हमें पिकोमीटर में लेके आना है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि 4 पिकोमीटर देन डी ए बी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी माइनस 9 डेल एक्स, ये आपका पिकोमीटर के अंदर हो जाएगा। 4 पिकोमीटर इन पिकोमीटर। अब बेटा यहां के बाद इस इक्वेशन को फिर से मॉडिफाइड किया गया किसके थ्रू, पॉलिंग एंड स्टीवेंसन मॉडिफाइड द इक्वेशन, इसको मैं फर्स्ट कह दूं, इसको क्या कह दूं मैं, सेकंड इक्वेशन कह दूं, इक्वेशन फर्स्ट। तो ये क्या हो गई आपके सामने कि डी ए बी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी माइनस मोड ऑफ सी ए इंटू एक्स ए माइनस सी बी इंटू एक्स बी, वेयर सी ए एंड सी बी आर कॉन्स्टेंट एंड एक्स ए एंड एक्स बी आर वेल नोन इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। सी ए एंड सी बी क्या होगा यहाँ पे कॉन्स्टेंट वैल्यू होंगी और जो एक्स ए एंड एक्स बी इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ टू एटम्स। तो ये था आपका हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में, मतलब ये वैल्यूज अगर आपको मिल जाएंगी जब आपको न्यूमेरिकल अप्लाई करोगे, आगे हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स की बातें, वहां आपको इन वैल्यू ये वैल्यूज आपको गिवन होंगी और गिवन होने के बाद आप उन वैल्यूज को पुट करोगे आपका रेडियस फाइंड आउट हो जाएगा फॉर हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल जब आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो क्या है, लार्ज है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है तो सिंपल सा फॉर्मूला लग रहा है कि डी ए बी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी, तब ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा के हम लोग जो फाइंड आउट कर लेंगे। यहां हमें आर ए एंड आर बी का जो रेडियस है वो अलग अलग फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये बात थी किसकी, कोवलेंट रेडियस की, कि कोवलेंट रेडियस क्या होती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेटेलिक रेडियस, कि मेटेलिक रेडियस क्या है। आप इसको नोट कर सकते हो, मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस। देखो ये मेटल के अंदर होगी, सिंपल सी बात है। मेटल किस तरीके से जुड़े होते हैं, इस तरीके से, ऐसे, मतलब इनके अंदर ओवरलैपिंग नहीं हो रही होती। और यहां भी एक न्यूक्लियस से न्यूक्लियस का डिस्टेंस होगा, और इस डिस्टेंस का अगर मैं क्या कर दूं, इस डिस्टेंस का अगर आप लोग हाफ कर दोगे, ये आपका पूरा का पूरा डिस्टेंस क्या कहलाएगा, डिस्टेंस मेटल एंड मेटल। और इसका अगर आप लोग हाफ कर दोगे तो ये इधर के मेटल की रेडियस आ जाएगी आर एम, और ये इधर के मेटल की रेडियस आ जाएगी आर एम, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग, कि इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस व्हेन टू मेटेलिक एटम आर जॉइंट एडजेसेंट टू ईच अदर इन ए मेटेलिक क्रिस्टल, इन ए मेटेलिक क्रिस्टल, मतलब मेटेलिक क्रिस्टल के अंदर ये रेडियस फाइंड आउट होगी। कि सिंपल सा डेफिनेशन है, ये न्यूक्लियस से न्यूक्लियस का डिस्टेंस, इसका अगर हम लोग हाफ कर दे तो क्या आ जाएगी, मेटेलिक रेडियस आ जाएगी। अब हम लोग वेंडरवॉल रेडियस की अगर बात करते हैं कि वेंडरवॉल रेडियस क्या होगी, वेंडरवॉल ये मिटा लेते हैं इसको, वेंडरवॉल रेडियस। अब देखो वेंडरवॉल रेडियस क्या कहती है, कि जब हमारे पास इस तरीके से दो अलग अलग मॉलिक्यूल होंगे, ये दो मॉलिक्यूल,
इसको मैं एच टू कह दूं, इसको क्या कह दूं, मैं एच टू कह दूं। अब बेटा यहां से लेके और यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस का जब हम लोग हाफ कर रहे थे, ये हम लोग हाफ कर रहे थे, तो ये हिस्सा मेरे पास क्या आ रहा था, आर एच मीन्स कोवलेंट रेडियस, आर सी हम लोग इसको भी इसको कह सकते हैं, और ये भी क्या आ रहा था आपके पास, आर एच। सेम इस तरफ अगर मैं ये दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले रहा हूं, तो इसके अंदर भी यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, डिस्टेंस बिटवीन एच एंड एच, और इसका अगर मैं क्या कर दूं, हाफ कर दूं, तो ये मेरे पास एक रेडियस आ रही थी आर एच एंड आर एच। अब वैंडरवाल रेडियस क्या होगी कि जो ये डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, मतलब वैंडरवाल रेडियस क्या है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स है जो एक दूसरे से ज्वाइन नहीं है, जो एक दूसरे से ज्वाइन नहीं है, उनके बीच के जो ये डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस का जब मैं हाफ कर दूंगा, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये आपका क्या कहलाएगा, आर वैंडरवाल कहलाएगा। ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, आर वैंडरवाल। मींस आर वैंडरवाल रेडियस क्या होगी कि इट इज द डिस्टेंस या हाफ, इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस व्हेन टू डिफरेंट एटम या टू एटम्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर बट नॉट जॉइंट टू ईच अदर इन डिफरेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, यहां ये क्या कह रहा है कि आपके पास डिफरेंट मॉलिक्यूल होंगे, उनके अंदर दो एटम होंगे जो आपस में ज्वाइन नहीं है, केवल एक दूसरे के एडजेसेंट है, उनके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा, उसका अगर मैं क्या कर दूं, हाफ कर दूं, तो आपकी क्या बन जाएगी, आर वैंडरवाल रेडियस बन जाएगी। तो ये आपकी बातें थी किसकी, कोवलेंट रेडियस की, वैंडरवाल रेडियस की एंड मेटेलिक रेडियस की। बहुत इजी सी डेफिनेशन है, जब आप किताबों से पढ़ोगे आपको तब भी समझ में आ जाएगी, तो इनके अंदर कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। नाउ अब हम लोगों को डिस्कस करना है कि इन तीनों रेडियस में से सबसे लार्ज रेडियस कौन सी होगी। तो देखो बेटा, यहां ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा रेडियस जो लार्ज होगी वो कौन सी होगी, आर वैंडरवाल रेडियस होगी। तो मैं लिख देता हूं यहां पे कि रेडियस ऑर्डर क्या होगा कि आर वैंडरवाल इज ग्रेटर देन आर मेटेलिक एंड इज ग्रेटर देन आर कोवलेंट, मतलब सबसे छोटी जो रेडियस होगी वो आर कोवलेंट होगी। इसके बाद जब मैं स्ट्रेंथ की बात करता हूं, स्ट्रेंथ ऑर्डर मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लेंथ या रेडियस कौन सी होगी, तो उसमें आर सी सबसे छोटी है तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग, देन आर मेटेलिक एंड देन आर वैंडरवाल, ये इसका ऑर्डर होगा। तो इसके अंदर भी इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। तो बेटा ये ऑल अबाउट द एटॉमिक रेडियस था, जिसमें हमने तीन कॉन्सेप्ट पढ़े, कोवलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस एंड वैंडरवाल रेडियस। तीनों के अंदर हम लोग एक डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस से न्यूक्लियस का, उसका क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, तो बस केस अलग अलग है तीनों के तीनों। अच्छा, ये जो वैंडरवाल रेडियस होती है ये आपकी नोबल गैसेज के अंदर मोस्टली पाई जाती है, नोबल गैसेज में। अब इसके पीछे भी एक एक्सेप्शनल केस बनेगा, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, जब इस रेडियस को हम लोग अप्लाई करेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल, मींस वेरिएट किस तरीके से करती है जो कोवलेंट रेडियस है या एटॉमिक रेडियस है इन ए पीरियोडिक टेबल, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसको नोट करो आप लोग। Variation in a period. देखो, जब मैं variation देखता हूं left to right in a period for atomic radius, तो दो factor पे वहां बात depend करती है। पहले factor कौन सा होगा आपका, effective nuclear charge, जो हम लोग पहले discuss कर चुके हैं, effective nuclear charge।
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या कहता है, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में हम लोग बात करेंगे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है जेड स्टार। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, जेड स्टार होगा। अब जो जेड स्टार होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये होगा, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, रेडियस के, एटॉमिक रेडियस के, आर कोवलेंट लिख लो या रेडियस लिख लो। क्यों, क्योंकि देखो जेड स्टार जितना ज्यादा होगा मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा वो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को उतना ही अपनी तरफ खींचेगा, और जितना वो अपनी तरफ खींचेगा साइज उतना ही क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां दो एटम ले लेता हूं, ये एक पॉजिटिव चार्ज और इसका इलेक्ट्रॉन यहां है, और एक और एटम है मेरे पास, ये पॉजिटिव चार्ज और इसका इलेक्ट्रॉन मैंने यहां लगाया। अब क्या हो रहा है कि इस जेड स्टार को यहां मैं कह देता हूं कि यहां जो जेड स्टार लग रहा है वो क्या लग रहा है, लेस लग रहा है, क्या लग रहा है वो लेस, और यहां जो जेड स्टार लग रहा है इस इलेक्ट्रॉन पे वो क्या लग रहा है, मोर लग रहा है। तो अब आप सिंपल सा, अच्छा ये शेल दोनों की क्या है, सेम, मतलब जो इलेक्ट्रॉन जिन शेल्स के अंदर बैठा है वो क्या है, सेम सेल, सेम सब शेल है। अब क्या हम लोग क्या कहेंगे कि अगर यहां इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम लग रहा है तो यहां अट्रैक्शन पावर क्या है, कम है, और यहां अट्रैक्शन पावर क्या है, ज्यादा है। मतलब ये न्यूक्लियर चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से या कंप्लीट एक ज्यादा पावर से अपनी तरफ खींचेगा, और ये क्या करेगा, ये कम पावर से अपनी तरफ खींचेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अगर ज्यादा पावर से खींच रहा है तो इसका साइज क्या होगा, स्मॉल, और इसका साइज क्या होगा, लार्ज। साइज स्मॉल होने की वजह से रेडियस भी क्या हो गई, कम। क्यों कम हुई, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या था, ज्यादा था। मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियस के। नेक्स्ट दूसरा जो फैक्टर है, जो वेरिएशन इन ए पीरियडिक टेबल के अंदर डिपेंड करता है, इन ए पीरियड लेफ्ट टू राइट, सेकेंड फैक्टर आपका होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, आपका n होता है, n क्या होती है, नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स। देखो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, मतलब अगर नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगी तो रेडियस भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अभी देखेंगे हम लोग इसको कि अगर नंबर ऑफ शेल बढ़ती है, नंबर ऑफ शेल बढ़ने से क्या होगा कि जो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो क्या होता चला जाएगा, दूर होता चला जाएगा, और उस पर उतना ही कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगने लगेगा, तो फिर रेडियस जो उतनी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, रेडियस। तो दो फैक्टर है जब मैं वेरिएशन इन ए पीरियड के अंदर बात करता हूं, पहला फैक्टर आपका क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इनवर्स proportional to radius and principal quantum number is directly proportional to radius। अब बेटा हम लोग एक general term पढ़ेंगे आज केवल यहाँ पे कि radius में left to right radius किस तरीके से vary करती है, top से bottom किस तरीके से vary करेगी। लेकिन उसके बाद इस periodic table के अंदर ये जो trend हम लोग पढ़ेंगे ये regular vary नहीं करता है, इसके अंदर कुछ exceptional case भी रहते हैं। उन एक्सेप्शनल केसेस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग केवल इतना जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट में जनरली पीरियडिक टेबल किस तरीके से वेरी करती है, या एटॉमिक रेडियस किस तरीके से वेरी करती है। तो देखो लेफ्ट टू राइट जब आप लोग चलते हो इन ए पीरियड, लेफ्ट टू राइट आपने लिथियम लिखा, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया 1s2 एंड 2s1। लिथियम के बाद आपने लिखा बेरिलियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 4, ये आया 1s2 और 2s2। अब यही समझो एक बात को, देखो यहां 3 से 4 हो गया न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया 3 से 4। तो मैं ये भी समझू कि अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा है तो इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ना चाहिए। अब वो बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, देखो यहां नंबर ऑफ शेल दोनों की क्या है, सेम है, नंबर ऑफ शेल इज सेम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस एंड z स्टार इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। यहां इसके सीधे कहने का मतलब है कि अगर n बढ़ती है तो रेडियस बढ़ेगी, लेकिन n तो क्या है, सेम है, n तो क्या है, सेम है। तो n से तो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, n का तो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया कि n बढ़ी ही नहीं है, n यहां से यहां तक क्या है, सेम है। अब दूसरा फैक्टर है z स्टार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। अब हमारा z स्टार जरूर बढ़ा है, मतलब 3 से 4 हुआ है, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी यहां बढ़ जाएगा। अब उस बढ़ने की वजह से क्या होगा कि नंबर ऑफ शेल तो सेम, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, न्यूक्लियर चार्ज अब क्या करेगा, इसी शेल पे ज्यादा अट्रैक्शन पावर लगाएगा, और जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर किया है इसका कोई इफेक्ट नहीं होने देगा, और ये इसको अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। फिर से समझो कि यहां पे न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, नंबर ऑफ शेल क्या है, सेम, जेड स्टार इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। मतलब अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो आपकी रेडियस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बेशक से इसके अंदर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है। अब इसका इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, देखो
इलेक्ट्रॉन का केवल एक इफेक्ट हो सकता है, या तो वो स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट लगाएंगे, लेकिन स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट जो है वो सेम शेल के अंदर नहीं लगता, वो क्या लगता है, डिफरेंट शेल में लगता है। तो इस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन बेशक से एक और एक्स्ट्रा आ गया, लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। उसी के साथ साथ क्या बढ़ गया, आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, जो 3 से 4 हो गया है। मतलब नंबर ऑफ सब शेल सेम है, ये सेम है, अगर ये बढ़ते तो मैं कहता साइज बढ़ गया, लेकिन ये क्या है, सेम है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से रेडियस हल्की सी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो अभी तक जब आप लिथियम से बेरिलियम तक आ रहे हो तो आपका रेडियस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब लिथियम एक लार्जर एलिमेंट है और बेरिलियम क्या है, एक स्मॉलर है। बेरिलियम के बाद कौन आता है, बोरोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना, 5। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 5, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो होगा 1s2 2s2 एंड 2p1। अब देखो ये नंबर ऑफ सब सेल बढ़ गई, अब इससे क्या इफेक्ट होगा, देखो यहां से यहां तक के बीच में जो डिक्रीज इन रेडियस का डिफरेंस है वो डिफरेंस, और यहां से यहां तक जो डिक्रीज इन रेडियस का डिफरेंस है, ये दोनों डिफरेंस बराबर नहीं हो सकते, ये बात मैं कह रहा हूं। मींस यहां पे क्यों बराबर नहीं होगा, क्योंकि यह नंबर ऑफ शेल भी बढ़ गई है, लेकिन साइज जरूर डिक्रीज होगा, क्योंकि इस नंबर ऑफ शेल के अंदर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, और इस एक इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियर चार्ज पे कोई इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। मींस ये न्यूक्लियर चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को भी उसी पावर से जो है अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। हाँ ये जरूर है कि यहां का जो डिफरेंस होगा और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस क्या होगा, सेम नहीं होगा। मींस ये डिस्टेंस थोड़ा सा, ये जो डिफरेंस है ये थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि रेडियस थोड़ी सी हल्की सी बड़ी भी होगी। मतलब कहने का मतलब क्या है कि लिथियम से बेरिलियम जब आप लोग जा रहे हो तो साइज ज्यादा डिक्रीज होगा एज कंपेयर टू बेरिलियम टू बोरोन, यहां थोड़ा सा कम डिक्रीज होगा क्योंकि यहां नंबर ऑफ शेल बढ़ गई है। बेरिलियम के बाद बोरोन, बोरोन के बाद जब कार्बन की तरफ आप चलते हो, कार्बन की तरफ जब आप लोग जाओगे तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। अब देखो सेम सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहा है लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। फिर कार्बन के बाद नाइट्रोजन पे जाओगे तो फिर क्या होगा, 1s2 2s2 एंड 2p3। अभी भी सेम सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहा है लेकिन न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहां से यहां अब हम जाते जब जा रहे हैं तो साइज क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। बात मैंने आपको यहां समझाई थी कि नंबर ऑफ सब शेल्स क्या होती जा रही है, शेल क्या होती जा रही है, सेम, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो रेडियस क्या होगी, डिक्रीज, लेकिन नंबर ऑफ सब शेल अगर सेम रहेगी तो उसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। मतलब नाइट्रोजन के बाद फिर कौन आएगा, ऑक्सीजन, एंड देन कौन आएगा, फ्लोरीन। तो आप जब यहां से लेफ्ट टू राइट जब आप लोग जाओगे, लेफ्ट टू राइट में जब आप लोग जाओगे तो साइज क्या होगा, एटॉमिक रेडियस क्या होगी, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज। और इसका रीजन क्या हम देंगे, क्योंकि भाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव अगर होगा तो वो उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रॉन की तरफ, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ उतना ही ज्यादा खींचेगा, जिसकी वजह से जो साइज है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये बेटा वेरिएशन इन ए पीरियड की बात थी। अब जब मैं वेरिएशन इन ए पीरियड के अंदर जाता हूं तो यहाँ एक एक्सेप्शनल केस भी बनता है, उसकी बात हम लोग अगले वीडियो लेक्चर के अंदर करेंगे। अभी जनरल टर्म को हम लोग पढ़ रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट में एटॉमिक रेडियस क्यों डिक्रीज होता है, बिकॉज ऑफ दैट देयर इज डिक्रीज इन जो है साइज, जिस जो किस वजह से हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। मतलब मैं आपको फिर से इन दोनों का केस एक बार समझाऊं कि यहां मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये लिथियम का एटम हो गया मान लो, ठीक है, और ये हो गया आपकी 1s2 और ये क्या हो गया आपकी 2s1 एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझ रहे हैं। इसके बाद बेरिलियम पे जब हम लोग आए, अब बेरिलियम पे जब हम लोग आए तो देखो यहां क्या हो रहा है, ये 1s2, अब इसमें केवल 2s2 हो गया, इलेक्ट्रॉन 2 हो गए हैं और यहां इलेक्ट्रॉन 1 था। अब ये क्या कह रहा है, यहां 2, अब ये क्या कह रहा है कि यहां से यहां ना एक न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है जो इसको अपनी तरफ खींचता है, और यहां से यहां भी एक न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है जो अपनी तरफ खींचेगा। ये आपका कौन है, लिथियम, ये एटम कौन है आपका, लिथियम, और ये कौन है, बेरिलियम। अब क्या है, सोचने वाली बात क्या है कि देखो यहां से यहां जब मैं जाता हूं तो अट्रैक्शन पावर लग रही है, लेकिन यहां से यहां जब मैं गया तो न्यूक्लियर चार्ज मेरा 3 से कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहां न्यूक्लियर चार्ज जो ज्यादा हो गया तो वो इसी शेल पे ज्यादा अट्रैक्शन पावर लगाएगा। मतलब जितनी अट्रैक्शन पावर ये न्यूक्लियर चार्ज इस शेल पे लगा रहा है उससे ज्यादा अट्रैक्शन पावर ये न्यूक्लियर चार्ज इस शेल पे लगाएगा, और जब ज्यादा अट्रैक्शन पावर इस सब शेल पे लगेगी तो ये उतना ही ज्यादा क्या होगी, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, और साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सेम, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट इन बाकी रेडियस के ऊपर वेरी करता है। अब हम लोग बात करते हैं वेरिएशन इन ए ग्रुप के अंदर। तो यहां तक आप लोगों को उम्मीद है समझ आया होगा। अब वेरिएशन इन ए ग्रुप के अंदर हम लोग बात करते हैं वेरिएशन इन ए ग्रुप। अब देखो यहां क्या होगा,
जब मैं टॉप से बॉटम आता हूं, जब मैं टॉप से बॉटम आता हूं मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, लिथियम की, सोडियम की, पोटेशियम की, उसके बाद जो आपका रुबेडियम की, देन सीजियम एंड देन फ्रेंशियम, इनकी बात मैं करता हूं। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 एंड 2s1। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। अब आप खुद देखो यहां से यहां शेल क्या हो गई है, इंक्रीज। शेल क्या हो गई है, इंक्रीज। अब मैं एक बात लिख रहा हूं कि द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज ऑलमोस्ट सेम। अब देखो ये सेम क्यों कह रहे हैं हम लोग, देखो बेटा यह एक बात को समझना, मैंने लिखा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज सेम, मतलब जब आप टॉप से बॉटम आ रहे हो तो मैं मानता हूं कि यहां एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 3 है। ये एटॉमिक नंबर कितना है, 3 एटॉमिक नंबर है, आज मार्कर धोखा दे रहा है, 3 एटॉमिक नंबर है। यहां एटॉमिक नंबर कितना, 11, यहां कितना हो गया, 19। यहां से यहां आपका न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, मैं कह रहा हूं न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या ऑलमोस्ट सेम है। और मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और न्यूक्लियर चार्ज के बारे में आप लोगों को पहले समझा चुका हूं, इसके लिए आप मेरे लास्ट वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हो। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड न्यूक्लियर चार्ज के अंदर एक डिफरेंस है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो चार्ज है जो लास्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन पावर कितना पहुंच रहा है, कितना इफेक्ट उस पर पहुंच रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज नॉर्मल है, जितना वो लगा रहा है, जितनी पावर वो अपनी लगाना स्टार्ट करता है, ठीक है। अब ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये नीचे आते आते कुछ इस तरीके से बैलेंस हो जाता है कि ऑलमोस्ट क्या रह जाता है, सेम रह जाता है, ठीक है। तो लेकिन अब मैं क्या कहूंगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो क्या हो रहा है, सेम, लेकिन नंबर ऑफ शेल क्या हो रही है, बढ़ रही है, बट नंबर ऑफ सब शेल इंक्रीज। अब ये इसका अपोजिट हो गया पीरियड का। पीरियड में क्या हो रहा था, नंबर ऑफ शेल तो क्या थी, सेम थी, लेकिन जेड बढ़ रहा था, जेड स्टार बढ़ रहा था, लेकिन यहां क्या हो गया, नंबर ऑफ शेल तो इंक्रीज हो रही है लेकिन जेड स्टार क्या है, कांस्टेंट है। अब क्या होगा कि अगर नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है तो नॉर्मल सी बात है रेडियस भी क्या होगी, बढ़ेगी। और ये नंबर ऑफ सब शेल अगर क्यों बढ़ रही है, क्योंकि देखो यहां 2s1 से कितना हो गया, 3s1। पोटेशियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में जाएगा, 4s1 में। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 5s1 में। तो यहां से यहां आते आते आपकी जो नंबर ऑफ सबशेल क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। सबशेल बढ़ने की वजह से साइज भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो ऑलमोस्ट क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंट हो रहा है। अब किस वजह से कॉन्स्टेंट हो रहा है, इस बात को समझना। देखना बेटा, जब मैं 3s1 से 4s1, 5s1 जा रहा हूं तो इनके बीच के अंदर जो है इनर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, तो वो इनर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं कि उस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को धीरे धीरे बहुत ज्यादा कम करते जा रहे हैं। अब वो कम करते करते कितना कम हो जाता है कि वो सारा का सारा जो चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, वो इन सब में ऑलमोस्ट क्या रह जाता है, सेम रह जाता है। मतलब बीच के जो इलेक्ट्रॉन है वो इतना स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट लगा देते हैं कि जो न्यूक्लियर चार्ज जैसे ही बढ़ रहा है वो उसका इफेक्ट जो है वो ऑलमोस्ट सबके अंदर क्या पहुंच रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन पे सेम पहुंच रहा है। मतलब जितना इफेक्ट इसका सोडियम के न्यूक्लियर चार्ज का इस पे पहुंचेगा, जितना इफेक्ट पोटेशियम के न्यूक्लियर चार्ज का इस पे पहुंचेगा, जितना इफेक्ट रुबेडियम के न्यूक्लियर चार्ज का इस पे पहुंचेगा, वो सब ऑलमोस्ट क्या होगा, सेम होगा। अब ये सेम किस वजह से हो गया, क्योंकि देखो अगर मुझे यहां से यहां आना था, 11 से 19 आना था, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होना था, बढ़ना था, बढ़ गया। लेकिन उसके बीच के अंदर इन इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियर चार्ज के बीच में क्या आ गई, इनर इलेक्ट्रॉन आ गए, और उन इनर इलेक्ट्रॉन्स ने उस न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट को क्या कर दिया, कम कर दिया। और वो इस तरीके से कम हो गया कि इन सब के बीच में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो मैंने दो कॉन्सेप्ट पढ़े, वेरिएशन इन ए ग्रुप के अंदर हम लोगों ने देखा कि टॉप से बॉटम में, टॉप से बॉटम में जब आप लोग आ रहे हो तो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। उसका रीजन क्या होगा, बिकॉज नंबर ऑफ शेल क्या हो रही है, इंक्रीज। और लेफ्ट टू राइट जब आप लोग जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट में जब आप लोग जा रहे हो तो साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। उसका रीजन क्या देंगे हम लोग, क्योंकि जेड स्टार वो क्या है, इंक्रीज हो रहा है। जेड स्टार क्या हो रहा है, इंक्रीज, लेकिन नंबर ऑफ सब शेल क्या है, सेम। तो बेटा ये आपका जनरल ट्रेंड के बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, इनके एक्सेप्शनल केस के बारे में, और वो एक्सेप्शनल केस आपको जो है बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाए जाएंगे। तो अभी केवल आप यहां तक पढ़ो, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग मिलेंगे। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, स्टे होम, स्टे सेफ।